पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए जावेद अली खान ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व साथियों के साथ मिलकर नामांकन भी करा दिया, जिसके बाद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी खुशी की लहर है। उनके संगठन के साथी रहे डीपी यादव ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए राज्यसभा जाने पर उन्हें बधाई दी, साथ ही अखिलेश यादव का भी आभार जताया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने बताया कि जावेद अली खान जब पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे थे तो वो उनके महासचिव बनकर काम कर रहे थे। आपको बता दें कि डीपी यादव जावेद अली खान के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के साथ डीपी यादव की ये करीबी पार्टी के अन्य खेमों को बर्दाश्त नहीं होगी। नामांकन के दौरान मुरादाबाद से डीपी यादव ने लखनऊ पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जो सभी के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि जावेद अली खान राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वो 2014 से 2020 तक राज्यसभा सांसद रहे। इससे पहले वे राजनीतिक छात्र से सक्रिय राजनीति में आए थे। जावेद अली जामिया छात्र संघ के महासचिव रह चुके हैं। यूपी के संभल जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि यूपी में 11 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। इन 11 सीटों में से 7 पर बीजेपी और 3 पर समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच 11वीं सीट के लिए घमासान हो सकता है। मंगलवार को ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो 31 मई तक जारी रहेगी। देखिए, वो मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। मैंने उनके साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव के रूप में काम किया। वो बहुत एक अच्छी शख्सियत, ईमानदार और पार्टी का बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले, और राज्यसभा में रहे तो पार्टी का बहुत ही सुंदर, अनुशासित और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हमेशा पक्ष रखने का काम किया है। तो मैं तो उनको बधाई देता हूं, और सबसे बड़ी बधाई हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब। मैं उनके चुनाव पर ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने जावेद अली खान साहब को राज्यसभा भेजकर एक बहुत ही अच्छा काम किया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रोफेसर रामगोपाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जावेद साहब जैसी शख्सियत को उन्होंने राज्यसभा भेजा है। उनका पूरा जीवन ईमानदारी से राजनीति करने में लगा है। सब लोग उनको जानते हैं, पूरे प्रदेश में, देश में उनकी एक बड़ी पहचान है। मुरादाबाद बहुत ज़्यादा करीबी रहा है उनके लिए, और उन्होंने काम भी किया है। क्या लगता है, कितनी उम्मीदें रहेंगी? मुरादाबाद तो उनका दिल है। ये जब मुरादाबाद में अमरोहा और मुरादाबाद में संभल जिला हुआ करता था, तो वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे और मैं पार्टी का जिला महासचिव था। मैंने उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है, और उन्होंने हमें भी ये सिखाया है कि पार्टी का काम सबसे ऊपर है, और पार्टी का काम ईमानदारी से करके पार्टी को हमेशा रिजल्ट देना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।